हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू रघुजाति चेस जोन। आज हम एक नई ओपनिंग के साथ शुरुआत करेंगे। ओपनिंग का नाम है फ्रेंच डिफेंस। वर्ल्ड फेमस ओपनिंग है, आप सभी लोगों को पता है फ्रेंच डिफेंस के बारे में। लेकिन हाउ टू प्ले अगेंस्ट फ्रेंच डिफेंस, अभी तक मेरे जितने भी वीडियोस हैं, हाउ टू प्ले अगेंस्ट मतलब फेमस ओपनिंग के सामने कैसे खेला जाए उसके बारे में ही मैं आपको बता रहा हूँ। हाउ टू प्ले फ्रेंच डिफेंस उसके बारे में हम बाद में देखेंगे। तो फ्रेंच डिफेंस के सामने वाइट पीसेस से कैसे खेला जाए इसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा, मूव बाय मूव, हर एक वेरिएशन के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंच डिफेंस, उसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। फ्रेंच डिफेंस शुरू होता है e6 से। वाइट जब e4 खेलता है, ब्लैक e6 खेलता है। तो ये हो गई फ्रेंच डिफेंस की फर्स्ट मूव। यहाँ पे d4 और ब्लैक खेलता है d5। ये है सेकंड मूव ऑफ फ्रेंच डिफेंस मेन मूव। यहां से शुरू होते हैं टोटल 4 वेरिएशंस। पहला जो वेरिएशन है वो है एडवांस वेरिएशन, जिसके बारे में हम आज देखने वाले हैं। एडवांस खेल के हम कैसे ब्लैक को हराते हैं, बिना वर के बारे में मैं बाद में बताऊंगा। जो दूसरा नाम है नाइट c3, सेंटर पोन को नाइट से प्रोटेक्ट करने का जो मूव है उसे कहते हैं विनेवर वेरिएशन। नाइट bd2, d2 से नाइट डेवलप करते हैं और e4 को सपोर्ट करते हैं, इसे कहते हैं टारस वेरिएशन और पोन टेक्स पोन एक्सचेंज वेरिएशन। तो चलिए आज हम देखते हैं एडवांस वेरिएशन अगेंस्ट फ्रेंच डिफेंस, जिसका ओपनिंग का नाम है द मिलनर बैरी गैम्बिट। मिलनर बैरी गैम्बिट, e4 e6 d4 d5 देन e5 एडवांस कर देते हैं हम। यहां पे ब्लैक प्रॉपर प्लेयर है फ्रेंच डिफेंस का, तो वो तुरंत ब्रेक करने के लिए c5 खेलेगा। यहां पे एक मूव, यहाँ आपको एक मूव जो है वो सेंटर को सपोर्ट करने के लिए c3 खेलना। ब्लैक प्रेशर बनाएगा नाइट c6 से d4 पॉन के ऊपर। यहाँ आपको नाइट से सपोर्ट देना है नाइट f3। अब एडवांस वेरिएशन में मेन मूव है क्वीन b6, जो कंटिन्यूस बुक लाइन है। क्वीन b6 के बाद आपको खेलना है बिशप d3। अब यहाँ ऑलरेडी ये पॉन के ऊपर पॉन, नाइट और क्वीन तीन अटैक आ चुके हैं। हमारे जो तीन सपोर्ट थे c3 पॉन, f3 पे नाइट और क्वीन, तो हमने एक सपोर्ट कम कर दिया जानबूझ के, इसे एक ट्रैप भी बोल सकते हैं आप। बिशप d3 के बाद c takes d4, यहाँ पे ब्लैक अगर नाइट टेक्स पॉन लेता है तो वो ट्रैप में फंस गया है, क्योंकि डिस्कवर्ड थ्रेट आफ्टर नाइट टेक्स नाइट, क्वीन टेक्स नाइट और बिशप b5 चेक से आपको ब्लैक की क्वीन मिल रही है। तो ये एक ट्रैप है। तो ट्रैप के बारे में सबको पता है, फ्रेंच डिफेंस प्लेयर जो भी है उन्हें ट्रैप के बारे में पता होता है, तो फंसते नहीं है। लेकिन कई बार हो सकता है कोई नया नया फ्रेंच प्लेयर है तो उसे पता नहीं है तो फंस भी जाता है, लेकिन हम उसे फंसाने की कोशिश बाद में करेंगे, क्योंकि लोग जानते ही है कि फ्रेंच डिफेंस में ये एक ट्रैप है। आफ्टर c5 c3 नाइट c6 नाइट f3 हम लोग मेन मूव के ऊपर ही कॉन्सेंट्रेशन कर रहे हैं, qb3 और बिशप d3। ब्लैक प्लेयर यहाँ पे पॉन टेक्स पॉन करने के बाद उसकी मेन मूव जो है बिशप d7, ये ब्लैक करता है। अब ब्लैक आपका पॉन ले सकता है, क्योंकि डिस्कवर्ड में हम उसे चेक नहीं दे सकते, ऑलरेडी बिशप d7 पे डेवलप हो चुका है। यहाँ पे आपको सिर्फ सैक्रिफाइस करना है सेंटर पॉन और आपको करना है कैसलिंग। तो ये है मिलनर बैरी गैम्बिट की मेन मूव्स। दोस्तों यहाँ पे हम कुछ गेम्स देखेंगे, ये स्ट्रक्चर के बाद में bd7 कैसल, नाइट टेक्स d4 आफ्टर नाइट टेक्स d4 क्वीन टेक्स d4
और फिर एक और पॉन सेक्रीफाइस नाइट c3, सेक्रीफाइस अनदर पॉन ट्रू गैम्बिट स्टाइल। यहां पे व्हाइट ट्रू गैम्बिट स्टाइल से खेल रहा है, क्योंकि अब आप देख सकते हो कि मोरा गैम्बिट के बारे में मैंने बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए हैं अगेंस्ट सिसिलियन, जिसमें हम सेक्रीफाइस सेंटर का पॉन करके अटैक लेते हैं, डेवलप करते हैं। इसी तरह आपको फ्रेंच डिफेंस में भी डेवलप करके अटैक लेना है। तो यहाँ हम दो पॉन सेक्रीफाइस कर रहे हैं, और इससे पहले हमने डेनिश गैम्बिट में भी आपको बताया था दो पॉन सेक्रीफाइस की गेम्स। वो सिर्फ सेक्रीफाइस पॉन सेक्रीफाइस शुरुआत में करने का मीनिंग है जल्दी अटैक करना, जल्दी अटैक के लिए हम खेल रहे हैं, क्योंकि हम व्हाइट पीसेस से खेल रहे हैं। यहाँ पे ब्लैक आपका पॉन क्वीन टेक्स e5 करता है, तो रुक e1। अब देखो वन साइड अटैक शुरू हो जाता है मिलर बेरी गैम्बिट में। यहां से दो वेरिएशन है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। एक वेरिएशन कौन सा है, क्वीन d6, जो आपके नाइट टेक्स d5 पॉन को सपोर्ट करेगा, वरना क्वीन चलने के बाद ऑलरेडी e6 पॉन पिन हो जाता है रुक से, और आप ये पॉन ले सकते हो। लेकिन ब्लैक उसे बचाने के लिए क्वीन d6 कर सकता है, और दूसरा एक सेक्रीफाइस करने के बाद क्वीन b8 भी जा सकता है। तो दो वेरिएशन है यहाँ पे। सबसे पहले क्वीन d6 के बारे में देखेंगे। अगर क्वीन d6 जाता है तो यहाँ पे आपको खेलना है नाइट b5, वन मोर टाइम अटैक ऑन द क्वीन। द मेन लाइन यहाँ पे बिशप टेक्स b5, अगर ब्लैक नाइट कैप्चर करता है तो भी आपको फायदा ही फायदा है। बिशप टेक्स b5 चेक, चेक के साथ अटैक हो रहा है किंग d8, एक ही अच्छा मूव है। उसके बाद बिशप e3। अब देखिए यहां पे a6 तो जरूर ही करेगा, क्योंकि आपका बिशप जो है e8 पे कंट्रोल करके बैठा है। a6 इससे बेटर मूव है, कंप्यूटर बता रहा है कि नाइट f6 वॉज बेटर, पर a6 करने में एक एरर हो गई है। यहाँ पे क्वीन a4 क्वीन अटैक के साथ में डेवलप हो रहा है। अब ये पॉन टेक्स भी सब पॉसिबल नहीं है, तो क्वीन a4 के बाद रुक c8। अब ब्लैक ने भी थ्रेट दे दी कि वो आपका बिशप मार सकता है। rac1 ओपन फाइल आपके कंट्रोल में लेना है। अगर रुक टेक्स c1 कैप्चर करता है तो दूसरा रुक c1 पे आ जाता है। उसके बाद ए टेक्स b5 क्वीन a8 चेक। अब देखिए किंग d7, क्योंकि किंग e7 नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ बिशप c5 पिनिंग द क्वीन। तो किंग d7 के बाद में क्वीन इंटू b7, अब किंग e8 या d8, d8 जाता है तो रुक c8 चेकमेट, और e8 जाता है तो रुक c8 क्वीन c8 आफ्टर क्वीन टेक्स पॉन चेक किंग d7 और बिशप चेक, और सारी गेम आपके हाथ में। आगे आप खुद ही अच्छे से खेल सकते हो, आराम से विनिंग कर सकते हो, क्योंकि आपके पास क्वीन प्लस है, आपको क्वीन मिल रही है। दूसरी एक गेम है जो हम क्वीन b8 के बाद में देखते हैं दोस्तों। क्वीन b8 मैंने वेरिएशन दो दिखाए थे आपको। पहला वेरिएशन हमने क्वीन d6 देखा, e4 e6 d4 d5 e5 c5 c3। ध्यान रखिए ये सारे मूव कॉमन है, सभी मूव्स कॉमन है, और सभी लोगों को फ्रेंच डिफेंस में इतने मूव सबको आते हैं। बिशप d3,
पॉन टेक्स पॉन बिशप d7 कैसलिंग किंग साइड आफ्टर नाइट टेक्स d4 क्वीन टेक्स d4 नाइट c3 क्वीन टेक्स e5 रुक e8। अब देखते हैं क्वीन b8 अगर चला जाता है तो क्या होता है। क्वीन b8 में आपको सिंपल नाइट टेक्स d5 पॉन ले लेना है। ब्लैक खेलेगा बिशप d6 और आपके h7 पे h2 पे अटैक। यहां पे आपको एक पॉन सैक्रिफाइस करना है क्वीन g4 करके। क्वीन g4 के बाद ये पॉन लेता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको एक मूव किंग h1 कर देते हैं। लेकिन यहां पे किंग अगर खेलता है किंग f8 g7 पॉन को गार्ड करने के लिए, तो यहां पे आपको खेलना है बिशप d2 इनटू d5। तो क्वीन टेक्स d7 आपको पीस मिल रहा है और यहां पे जबरदस्त पोजीशन व्हाइट की है और ये गेम टोटली व्हाइट के कंट्रोल में है। तो दोस्तों आपको और भी वीडियोस में दिखाऊंगा और भी मूव्स बताऊंगा। मिनरल बेरी गैम्बिट नाम याद रखना, अगेंस्ट फ्रेंच डिफेंस, ये फ्रेंच डिफेंस के सामने खेलने वाली सीरीज हम आज से शुरू कर रहे हैं। तो मेरे नए वीडियो मिस मत कीजिए और सभी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जल्द ही मिलेंगे। जय हिंद, जय गुजरात।